गृह मंत्रालय ने कथित भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों का हवाला देते हुए अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कदम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता है और इसका उद्देश्य उन गतिविधियों पर अंकुश लगाना है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। आपको बता दें कि शब्बीर अहमद शाह आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर निरंतर पथराव सहित अन्य गतिविधियों में संलिप्त थे। इस पार्टी का गठन 1998 में किया गया था और भविष्य में उन लोगों पर भी ऐसे ही गाज गिरेगी, उन लोगों पर भी ऐसे ही शिकंजा कसा जाएगा जो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं।